नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि भारत में हर वर्ष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता रहता है, जो कि ये एक खगोलीय घटना है। इस साल भी हर वर्ष की तरह भारत में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ये 30 अप्रैल को लगेगा। मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। ये ग्रहण मेष राशि में लगेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में यह उठता है कि सूर्य ग्रहण है तो क्या उसका सूतक काल मान्य होगा? कब से कब तक मान्य होगा? क्या करें, क्या ना करें? क्या ग्रहण में कोई साधना कर सकते हैं? तो इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो भारत में दृश्य नहीं है, क्योंकि यह मध्यान्ह रात्रि में लगेगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। साथ ही इसका ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यदि आप भारत में हैं तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही किसी प्रकार का सूतक काल मान्य होगा, ना ही किसी प्रकार का ग्रहण का कोई दोष लगेगा। इसमें कोई विशेष मंत्र साधना भी नहीं करनी है। यदि आपके गुरु आपको इजाज़त देते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी कोई साधना सिद्धि का विधान इस ग्रहण काल में नहीं होगा। बाकी आप रोज की तरह सामान्य जीवन ही जिए और ग्रहण काल से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल मालविया भक्ति YT को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।